नमस्कार, तेज आणि फास्ट बातम्यांसाठी एकदा परत मी अंजली कदम 24 तास मध्ये उभी आहे. तुम्ही बघत राहा फक्त 24 तास. देखिए फिल्म में वो सारे एलिमेंट्स हैं जो कि एक सक्सेसफुल फिल्म में होने चाहिए. इमोशंस है, अच्छा म्यूज़िक है, म्यूज़िक आप सारे लोगों ने सुना, म्यूज़िक बहुत ही कमाल रहा है. और मुन्नवर साहब की सारी फिल्मों में विशेषता ये रही है कि सारी फिल्मों का म्यूज़िक बहुत अच्छा होता है. तो खासकर आज का जो प्रेस मीट था उसमें हम चाहते थे कि प्रेस ट्रेलर्स भी देख लें और साथ ही साथ म्यूज़िक भी सुने. म्यूज़िक बहुत अच्छा है. मुन्नवर साहब सर के साथ मैं करीब 3 या 4 सालों से काम कर रहा हूँ. इसके पहले वाली फिल्म निवड़ुंग भी हमने डिस्ट्रीब्यूट की थी. ये फिल्म भी बहुत प्रॉमिसिंग है. 28 फेब को रिलीज़ हो रही है और इस फिल्म में वो सारे एलिमेंट्स हैं, वो सारी चीज़ें हैं जो कि इमोशनल फिल्म में होनी चाहिए. उनकी खासियत है वो हमेशा रूटेड फिल्में बनाते हैं, उस तरीके की फिल्में बनाते हैं जो कि इमोशनल हो, जो जिस तरीके की फिल्में बननी चाहिए, जिसको मीनिंगफुल सिनेमा कहते हैं. ये फिल्म में भी उन्होंने गांव की कहानी कही है और गांव में अपनी अपनी गांव की अपनी शैली होती है, अपनी विशेषताएं होती है. और जिस तरीके से प्रोमो इसके कटे हैं और जिस तरीके से ट्रेलर नज़र आ रहा है वो बहुत ही इम्प्रेसिव है. मुझे लगता है कि ये आज के इस इवेंट के बाद लोगों को ट्रेलर पसंद आएगा. सॉन्ग्स ऑलरेडी लोगों को पसंद आएंगे और साथ ही साथ यूट्यूब पे है और ऑलरेडी म्यूज़िक कंपनी इसको प्रमोट कर रही है. डिजिटल स्पेस पे भी इसका अच्छा प्रमोशन है. तो मुझे लगता है कि लोगों को फिल्म पसंद आएगी. 28 तारीख को आप ज़रूर ये फिल्म देखिए. देखिए कुछ फिल्में ऐसी होती है जिसका अपना चार्म होता है और ऐसी फिल्में जिसमें इमोशनल कंटेंट हो वो फिल्में ज़रूर वर्क करती है. इन्होंने ट्रेडिशनली हमेशा ओल्ड स्कूल के थॉट्स को लेकर फिल्में बनाई हैं जिसमें इमोशंस को महत्व दिया जाता है, म्यूज़िक को महत्व दिया जाता है. ऐसी फिल्में टाइमलेस होती है, ऐसी फिल्में हमेशा चलती है. जिस तरीके से अब अगर आप ट्रेलर देखोगे तो आपको भी लगेगा कि वही चार्म इस फिल्म में भी मौजूद है. सर को जानता हूँ करीबन 4 या 5 साल से. अभी पहली जो मैंने पहला एज अ मेन लीड हीरो हिंदी फिल्म का काम किया था वो सर के साथ ही किया था, लाखों या दिल वाले. तब से मेरा जो इनको जानने का सफ़र रहा है और इस बार कुछ इत्तेफाक इस तरह का बना कि हम लोगों ने बिहाइंड द कैमरा और क्रिएटिव लेवल पे साथ में काम किया और यहाँ पर मैंने इनको एज अ मेकर ज़्यादा समझा. मैं ये नहीं कहूँगा कि पहले दिन में मुझे सब समझ में आ गया था, लेकिन ये जर्नी करीबन रही है 1.5 से 2 साल की, राइट फ्रॉम स्क्रिप्टिंग टू टुडे व्हेन वी आर सीइंग द रिलीज ऑफ द फिल्म. तो आई हैव सीन हिम एज अ फिल्म मेकर ओवर द पीरियड ऑफ 4 ईयर्स एंड ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 2 ईयर्स जिस तरह ये इवॉल्व हुए हैं. और मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मेरे बगल में बैठे हैं और मुझे इनकी तारीफ करनी, ऐसी बात नहीं है. मैंने जेन्युइनली, मेरे पास वो मैसेजेस इनके सेव्ड हैं जो पहले फिल्मों के बारे में हमारी बात होती थी और जो अब होती है फिल्म मेकिंग को लेकर. जैसे गिरीश ने बहुत ही अच्छी तरह से कहा कि ये सिनेमा बना रहे हैं, ये वो लोग हैं जो सिनेमा बनाना चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो सिर्फ पैसा बनाना चाहते हैं. हाँ ठीक है, मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ बिजनेस, कौन नहीं चाहता कि पैसा कमाया जाए, लेकिन मुन्नवर सर मेक्स सेंसिबल सिनेमा. कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी और उसके बावजूद भी जो हमने काम किया है इट इज़ एट अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्पीड. एंड नॉट दैट वी हैव यू नो ओवर स्ट्रेच्ड आवर लिमिट्स या फिर 12-12 घंटे या 25-25 घंटे काम हो रहा है, नॉन स्टॉप हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं. आराम से काम हुआ, बहुत बढ़िया काम हुआ एंड द बेस्ट थिंग इज रिजल्ट आपको दिखाई दे रहे हैं ना. हमारे हम कितना भी बोल लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर रिजल्ट अच्छा नहीं है तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं है, और रिजल्ट अच्छा है तो फिर कोई एक्सक्यूज देने की जरूरत ही नहीं है. मेरा एक बहुत ही गेस्ट अपियरेंस का रोल है, एक गाना है सूफी गाना है जो बहुत ही प्रख्यात गाना है, तू कुजा मन कुजा. और जैसे ही सर ने कहा कि ये गाना तू करेगा, पहली बात मैंने कई बार ना कहा कि मैं नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैं आई विल नॉट बी एबल टू डू जस्टिस टू द रोल, बट इनका बहुत ही दृढ़ मानना था कि मुझे ही करना चाहिए. तो उस गाने में मेरा अपियरेंस है जो बहुत ही अच्छा निकल कर आया. थैंक यू सर. आप यहीं बैठेंगे, स्पेशल आया नहीं, ठीक है. गाने और ट्रेलर दोनों बहुत ही अच्छे हैं, लग रहा है कि बहुत ही ध्यान से बहुत अच्छी तरह से बनाया गया है. कुछ भी कमेडी छोड़ी गई है क्योंकि वो कनेक्ट हो रहा है. इस तरह का गाना सुनकर देखकर कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत अच्छे लगे सब गाने. और वो कव्वाली नहीं थी, क्या था? नात बहुत अच्छा लगा, सबसे अच्छा लगा. और आई विश माई फ्रेंड मुन्नवर भगत ऑल द बेस्ट फॉर
गाँव पूरे आहे एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग द होल मूवी. मुझे लगता है इमोशन बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है. अगर इमोशन है तो ऑडियंस को आइडेंटिफाई करने के लिए आसान हो जाता है. और मुझे ग्लिम्पसेस मुझे देखे दिखाई दिए इमोशन के और आई थिंक दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑडियंस के लिए जो भी जाते हैं तो वो दैट इज़ अ हुक एंड यू नीड दैट बिकॉज अपना यू आइडेंटिफाई एंड आई थिंक आई कुड सी इन ग्लिम्पसेस इमोशन है और लव स्टोरी में भी यू नो that utar chadav hai and that's what people like to see. So I really all the very best. Thank you very much and hope you have a great success. Thank you. Thank you. Aapne jo song suna hai usko kya lagta hai ki achhi film hai darshakon ko kitna pasand aayegi aapne kya kiya hai different yahi actor unhone jo naach dalne ka jo experiment kiya hai mai khaas ye by chance hi log karte hain to ye ek inka experiment shayad बहुत ही अच्छा है. वो एक अच्छा लगा. और दूसरी बात ये है कि जो अच्छी लगी कि ये इन्होंने ये जो एक इतनी लेट टाइम पे एक इनिंग शुरू की है तो उसमें इनका डेडिकेशन ज़्यादा लगता है मुझे, एक सिंसियरिटी लगती है क्योंकि इन्होंने ये पैसा कमाने के लिए काम नहीं शुरू किया है. ये अपने दिल में जो भी इनकी एक भावना उठी है उस चीज़ को पूरा करने के लिए किया है. नहीं तो बहुत से लोग, हम सब लोग पैसा कमाने के लिए इस लाइन में आए हैं पर कम से कम ये पैसा कमाने के लिए नहीं आए. हाँ ठीक है, ये भी चाहेंगे कि फिल्म लॉस में ना जाए. ये इनके दिल में जो भी कहानी उठी, जो भी ख्याल उठे उसको लेकर इन्होंने इससे पहले भी फिल्म बनाई और ये फिल्म भी यही सोच के इन्होंने बनाई, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है. माझं नाव स्वप्निल जोशी आणि लवकरच तुमच्याकडे एक नवीन चित्रपट घेऊन येत आहे ज्याचं नाव आहे गाव पुढे आहे. तो येत्या 28 फेब्रुवारीला रिलीज होत आहे. तरी मी तुम्हाला सगळ्यांना विनंती करेन की तुम्ही हा चित्रपट सिनेमागृहामध्ये जाऊन बघा, कारण की आम्ही सगळ्यांनी भरपूर मेहनत घेतलेली आहे आणि विषय खूप छान आहे. गाव पुढे आहे म्हटल्यानंतर तुम्हाला रिलेट करू शकता तुम्ही की गावाविषयी भरपूर काही सांगणारा बोलणारा हा सिनेमा आहे. आणि या चित्रपटामध्ये तुम्हाला खूप छान छान सीन्स किंवा लव केमिस्ट्री किंवा एक ड्रामा आणि ट्रॅजेडी, खूप इंटरेस्टिंग असा विषय आम्ही तुमच्यासमोर मांडण्याचा प्रयत्न केलेला आहे, तो तुम्हाला नक्कीच आवडेल. थँक्यू व्हेरी मच. हे पिक्चर गावाबद्दल नाही आहे, ह्याचं लोकेशन गाव आहे आणि आमची पूर्वी शूटिंग एकाच गावामध्ये 15 दिवसात कम्प्लीट केली आहे. पण हे पिक्चर म्हणजे गावाबद्दल नाही आहे, हे पिक्चर प्रेमाबद्दल आहे. आणि प्रेम म्हणजे आपण म्हणतो गावामध्ये प्रेम वेगळं असेल आणि तिकडचे लोक सिम्पल असतात, पण असं काहीच नसतं. गाव पुढे आहेचा अर्थ काय असतो की गाव मागासलेलं नसतं, गाव फार पुढे आहे. आणि आजचं गाव स्पेशली इतकं पुढे आहे की म्हणजे तेच आमचं दाखवायचा प्रयत्न तोच होता. आणि बाकी कसं आहे ना, मला बोलताना जरा थोडंसं कठीण असतं कारण हे सर्व सिक्रेट आहे. ते म्हणजे पिक्चरचं म्हणजे अंश आहे ते म्हणजे असं आहे की शेवटी जाऊन ते अगदी ड्रॅस्टिक टर्न होतो पिक्चर. आणि त्याच्याकरता आम्ही म्हणजे असं दाखवलं आहे की सुखामध्ये दुःख असतं आणि दुःखामध्ये सुख असतं. आणि त्याच्याकरता आपलं मला अपेक्षा आहे की लोक बघतील आणि मग पिक्चरला समजतील. पण नुसतं आम्ही काय गावाबद्दल असं दाखवलं नाही की गावामध्ये किती चांगले लोक राहतात आणि गाव किती गोड आहे, तसं काहीच नाही आहे. गावामध्ये हलकट लोक पण राहतात, गावामध्ये विलन पण राहतात आणि त्यांचंही दाखवलं आहे सर्व. तर हे सर्व तुम्हाला बघूनच कळणार आहे की मी काय करायला गेलो, कारण सांगायला म्हणजे फारच कठीण होणार आहे. ओके, थँक्यू. ये पिक्चर हमने जब सोचा था, उनके स्टोरी हमारे एक आर्टिस्ट है औरंगाबाद के, फिरोज आशिक करके, उन्होंने लिखी थी. और ऐसी मुझे एक रात को सुना रहे थे तो मैं सोचा कि यार गांव के बारे में आजकल फिल्म नहीं बन रही है, तो एक छोटी सी फिल्म बनाते हैं गांव के बारे में. एक शेड्यूल करेंगे 15-16-20 दिन में शूट करके ख़त्म करके एक एक्सपेरिमेंट किया था. तो वो स्टारकास्ट के लिए स्वप्निल को पूजा जायसवाल को चूज़ किया था क्योंकि उनकी केमिस्ट्री अच्छी थी और
वो हम लोगों ने पन्हाला में कोल्हापुर के पास एक हिल स्टेशन है वहाँ पे एक छोटा गांव चूज किया, उस गांव में शूट किया। कोई हम लोगों ने सेट नहीं लगाया, हम लोगों ने कुछ ये नहीं किया, सब लोकल आर्टिस्ट यूज़ किए। और हमने उम्मीद तो है कि हमने बहुत मेहनत की है उसके ऊपर, और नतीजा तो खुदा के हाथ में होता है, और देखेंगे क्या होता है। 28 को रिलीज है। तो हर फ्राइडे फिल्म रिलीज होती है, लेकिन अगर इस फिल्म की बात करें तो पब्लिक को क्या कुछ नयापन देने की कोशिश इस फिल्म के माध्यम से, और पब्लिक जनता से क्या कुछ कहना चाहेंगे इस फिल्म में, क्या कुछ नया? बिल्कुल, ये जो बात जो है ना, ये स्टार्ट हो जाती है तो सिंपल सादी सी लव स्टोरी होती है जिसमें ऐसा लगता है कि ये कितनी क्यूट है, गांव में ऐसे प्यार हो जाता है ये है। पर सडनली वो इंटरवल के बाद पूरी पिक्चर बिल्कुल ट्विस्ट खा लेती है, और ट्विस्ट खाने के बाद वो ऑडियंस को ग्रिप करने की चीज़ है कि ये ऐसे कैसे हो सकता है। हम तो समझते हैं प्यार मोहब्बत ये तो आम चीज़ है, सब लोग प्यार करते हैं, नहीं करते हैं, गिरते हैं फिर संभलते हैं, और ये क्या हो रहा है। ये जो सरप्राइज एंडिंग है वो तो मैं बता नहीं पाऊँगा, तो उसके लिए हमें सोचते हैं कि ज़रा पिक्चर लोगों को शायद इंटरेस्टिंग लगे। छोटे से गाने हैं हमारे, बड़े क्यूट से गाने हैं, सब कुछ है, तो उसमें हम लोग देखेंगे क्या बनता है। पूरी स्टार कास्ट के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और डायरेक्शन के टाइम में सबसे ज़्यादा डांट नहीं नहीं मेरी प्रॉब्लम मेरी तो आप मैं तो ज़्यादा ये डांट करना और चिल्लाना लोगों पर ये करना गुस्सा करना वो मेरी स्टाइल नहीं है, और मुझे तो गुस्सा वैसे भी आता ही नहीं है, और ऐसे मेरे को किसी ने कुछ ऐसी रीज़न भी नहीं दिया कि मैं गुस्सा करूँ किसी पर। सब लोग बड़े प्रोफेशनल थे, सब लोगों ने बराबर जो इंस्ट्रक्शन दिया वैसे काम किए, मेरी टीम बहुत अच्छी थी। तो जब अगर मैं कोई सीन नहीं डायरेक्ट कर भी सकता था तो मैं अगर मेरे एसोसिएट को बोलूं कि भाई ये सीन हमको ऐसे लेना तू ले लेना, तो वो भी यानी बड़े आसानी से हम लोग करते थे। तो ऑल इन ऑल ये इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, बहुत मज़ा आ गया। बिंग महाराष्ट्रियन आई एम वेरी फीलिंग प्राउड की मराठी 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 महाराष्ट्र होण्याच्या नात्याने मला खूप प्राऊड होतं हे सांगताना की